हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, वो करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, या आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लीजिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो प्लीज़ इसे अपने तरीके से लीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त उनके लिए। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त उनके लिए। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त उनके लिए। किंग ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं इस वक्त आपकी तरफ। आप क्या कर रहे हैं ऐसा? जजमेंट, द हैंगमैन, द हेरोफेन। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको मैरिज ऑफ़र देना चाहते हैं। आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि वो इस रिलेशनशिप में जजमेंट करके आपको एक मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं। हेरोफेंट, वो चाहते हैं ट्रेडिशनल वेडिंग। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली में कोई ना कोई उनकी फैमिली रिश्ते दिखा रही हो, वो चाह रही हो कि उनकी मर्ज़ी से शादी हो, लेकिन आपके पार्टनर ये मैरिज का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। पास्ट हिस्ट्री है इस रिलेशनशिप की, कुछ ना कुछ है पास्ट में। ठीक है, चले हम क्लेरिफाई करते हैं कि करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। फ़िलहाल तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको जजमेंट करके आपको उस रिलेशनशिप में एक मैरिज ऑफ़र देना चाहते हैं। वो इतना अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, वो चाह रहे हैं कि वो क्लियर हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। वो पास्ट में ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे हो, उन्होंने आपको कन्फ्यूज़ रखा हो, लेकिन अब वो क्लियर हैं। वो इस रिलेशनशिप में आपको कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं सॉलिड। वो चाह रहे हैं कोई घर में बात हो जाए, पेरेंट्स में बात हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों को क्लियर हो जाए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी उनके लिए। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त उनके लिए। फाइव ऑफ कप्स देखा था और यहाँ आ गया फाइव ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन कुछ ना कुछ है इस रिलेशनशिप को आगे पहुँचाने के लिए, कुछ ना कुछ है। दी वर्ल्ड, कोई ना कोई साइकिल एंडिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में। ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत आपने बैड साइकिल एक्सपीरियंस किया इस रिलेशनशिप में। व्हील चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रही है, एक न्यू फेस स्टार्ट होने वाला है। आपका रिलेशनशिप एक स्टकनेस से मूव ऑन होने वाला है एक फास्ट मूड पे। ठीक है, दी डेविल, पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है इस पर्सन में, इसने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव किया है, लेकिन अब ये इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है पास्ट के हर टॉपिक पे, जिस पे आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए। वो आपको एक ऑफ़र देना चाहता है कम्युनिकेट कर कर के, आपको बताना चाहता है वो आपको कितना पसंद करता है। दी चैरियट, वो चाहता है भाई इस रिलेशनशिप को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम आए। फोर ऑफ सोट, वो बहुत ज़्यादा 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, क्या करूँ इस ये जो एक एक ऐसा हो सकता है पास में आपके पार्टनर किसी एडिक्टेड हो, कोई प्लेयर बॉय हो या तो प्लेयर गर्ल हो, या तो वो कोई किसी न किसी तरीके की उनको नेगेटिव एडिक्शंस थी, वो फ्लर्टिंग करते हों, वो किसी एक के साथ ठहरते ना हो, कोई ऐसी कुछ ना कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हैं जो आपके पार्टनर में पास में नहीं हैं, जिसको वो सोच रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कभी आपको सीरियस नहीं लिया है, लेकिन अब वो इस पॉइंट पे हैं। उनका कुछ ऐसा है कि जैसे शादी की उम्र हो गई, एज के
पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी एक मैरिज की उम्र है, शादी करने की उनकी फैमिली दिखा रही है, वो अगर आपका नाम नहीं लेंगे तो फैमिली कहीं ना कहीं करा देगी उनकी शादी, तो उनके माइंड में ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक मेरे साथ कंपैटिबल है, मेरे साथ सब कुछ सही चलेगा इसका, मैं इसको, मेरी और इसकी मेंटेलिटी सेम है, चाहे वो पास्ट में ना रही हो, चाहे वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पास्ट के रहे हो, मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है कोई थर्ड पार्टी ने पास्ट में आपका रिलेशनशिप ख़राब किया है, जो बहुत ज़्यादा अब उनको समझ में नहीं आ रहा, जो वो पास्ट की चीज़ों को आपसे कहेंगे तो वो क्या कहेंगे कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, वो थर्ड पार्टी में स्टक हुए हुए थे, उनके इर्द गिर्द थर्ड पार्टी के इल्यूजन्स थे, वो इसलिए आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे थे, एक ये प्रॉब्लम भी है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्ड ऐसे हैं जो स्टकनेस के हैं, बाकी कार्ड्स की तरफ से इट मींस डोर्स ओपन हो चुके हैं, बाकी डोर्स ओपन हो चुके हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो इशू है क्लियरिटी इशू है, आपको क्लियरिटी जस्टिफाई करने का कि क्या 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 कब 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 क्यों हुआ और क्यों होता रहा, तो ये सब चीज़ें उनको क्लैरिफाई करने पड़ेंगी इस रिलेशनशिप को एक नई रफ्तार देने के लिए। बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं मैं कहाँ गलत था वो कहाँ सही थी, मैंने कब गलत किया, मैंने कब, ज़्यादातर खुद को ही गलत पा रहे हैं वो, हर स्टेट ऑफ माइंड में, वो हर हिस्से में जो जो आपके साथ टाइम गुजार चुके हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट फीलिंग्स हैं, वो अपने फैमिली में भी बात कर लें, वो सबसे भी बात कर लें, लेकिन अब आप थोड़ा सा एंटी हुए हैं, पहले आप बोले जा रहे थे कर लो कर लो कर लो कर लो, जब आपने जैसे ही फिक्र छोड़ी है अब मूड उनका बन गया है, आप इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि अब उनको मैरिज करनी है, पहले उनको टाइम पास करना था, अब उनको मैरिज के लिए मैरिज करने वाली लड़की चाहिए, इस बात को वो समझ चुके हैं, अब वो आपको कैसे समझाएं, पहले मैं बाहर हलवा खा रहा था जो अलग अलग जगह से मिल रहा था, कभी किसी टेस्ट का हलवा कभी किसी टेस्ट का हलवा, तो वो लगे हुए थे घूमने फिरने में, अब उनको पूरी ज़िंदगी के लिए एक ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच चाहिए, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, वो कैसे कहें आपको, कैसे एक्सप्लेन करें खुद को। ठीक है, चलें हम देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या करंट जो उनके लिए दिमाग में चल रहा है वो करंटली कुछ स्टेप्स लेंगे, जो उनके माइंड में चल रहा है उसका सोल्यूशन वो क्या निकालेंगे। ठीक है, चेक करते हैं इस एंजल साइन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई ना कोई स्टेप लेंगे उनकी तरफ, प्लीज़ माय एंजल साइन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर उनकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेंगे, माय एंजल साइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई ना कोई स्टेप लेंगे उनकी तरफ, प्लीज़ माय एंजल साइन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। बिल्कुल वो काम करना चाहते हैं, एट ऑफ पेंटिकल, वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा, मैंने आपको क्या कहा, शादी करना चाह रहे हैं, फोर ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया, वो आपकी तरफ शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन बात ये है अब आप रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि कब से आप चाह रहे थे कि ये समझ जाएं, सिक्स ऑफ सूट, वो चाह रहे हैं इसको रिजॉल्व किया जाए, इस रिलेशनशिप को एक कम और वाटर की तरफ लेके जाया जाए, उसको एक अच्छी जगह लेके जाया जाए, लेकिन बात यह है अब आप अपनी पावर में हैं, देख रहे हैं आप, ये क्वीन ऑफ कप्स, इस क्वीन ने अपने कप के ऊपर एक हाथ रख दिया है, अब अपने इमोशंस के ऊपर एक हाथ रख दिया, इट मींस लिड को बंद कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो बताना नहीं चाहती, आपके दिल में अभी भी प्यार है, आप अभी भी शादी चाहते हैं इनसे, लेकिन अब आप ये सब कुछ उनको कहना नहीं चाहते। टेन ऑफ पेंटिकल, मैं बार बार कह रही हूँ ये शादी, ये कमिटमेंट सिचुएशन है इस पूरी इस पूरे इसमें जो मैंने ये रीडिंग करी है, इस पूरे स्प्रेड में कमिटमेंट का अब टाइम आ चुका है। सेवन ऑफ पेंटिकल, वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो आपके गुस्सा ठंडा होने का वेट कर रहे हैं, वो आपके नॉर्मल होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जब वो आपको ऑफ़र दें तो आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वांड्स और सेवन ऑफ पेंटिकल, वो वेट कर रहे हैं कि क्या अब वो बेसब्रे हुए हैं इस न्यू बिगनिंग के लिए, वो आपकी तरफ आने के लिए, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब आपका मूड ठीक होगा, वो अपने ख्यालात आपसे डिस्कस करें। ठीक है,
ऐसा हो सकता है वो 4 वीक्स में कोई ना कोई स्टेप लें आपके लिए, या तो 4 दिन हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं, 8 वीक्स हो सकते हैं, 8 आवर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 6 डेज हो सकते हैं, 6 आवर्स हो सकते हैं, और 6 वीक्स भी हो सकते हैं किसी की ना किसी के लिए, क्योंकि अब वो जो आएंगे मैरिज ऑफ़र लेकर आएंगे, क्योंकि अब उनको करनी है मैरिज इस सिचुएशन में, अब मैरिज इन्वॉल्व हो चुकी है, उनकी एज मैरिज वाली है, उनकी फैमिली मैरिज करवाना चाह रही है, अब वो बाहर वाली चीज़ों पे, ब्रेड क्रम्स पे, वो उनके साथ शादी थोड़ी कर सकते हैं, वो जो बाहर कर रहे थे वो सब कुछ, जो अपने मूड को हल्का करने के लिए रंगीन मिजाज उनका हुआ हुआ था, अब वो सब कुछ वो बाहर उन लोगों से शादी थोड़ी कर सकते हैं, उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है। लेकिन अब आपके पास आए तो किस मुँह से आए, आप बोल रहे थे सीरियस हो जाओ सीरियस हो जाओ सीरियस हो जाओ, वो सीरियस नहीं हो रहे थे, वो इधर उधर निकले पड़े थे, मतलब कि उनके पास टाइम ही नहीं था सीरियस होने का, उनके पास इतने ऑप्शंस थे उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, चाहे कैरियर को लेकर हो, चाहे वैसे भी अपने मूड को लाइट करने के लिए ऑप्शंस हो उनके पास, कैसे भी ऑप्शंस हो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था पास्ट में। चले हम देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस क्या है, ठीक है, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए इस पूरी सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त, आपको क्या करना चाहिए। आप अपनी पावर में हैं इस वक्त, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं आप, जो कुछ भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गेट क्लोजर टू लव, आप लव के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन आपकी आपको स्पिरिट ये कह रही है आप अपने जो आपने एक्सपीरियंस किया है आप उसको मद्देनज़र रखते हुए एक्शन लें, आपने जो एक्सपीरियंस किया उसको, उस सबक को आपने जो सीखा है आप उनके लिए, आप उनको दोबारा अपने आप को फॉर ग्रांटेड शो मत कराने दीजिएगा कि मैं हूँ और मैं रहूँगी, नहीं भी आओगे तब भी रहूँगी, किसी कहीं और चले जाओगे तब भी रहूँगी, ऐसा आपने उनको फील नहीं कराना है। द यूनिवर्स वर्क फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन, आप अपने फ़न में रहें, यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहा है, यूनिवर्स का डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, यूनिवर्स वर्क कर रहा है आपकी पूरी सिचुएशन में। भाई यूनिवर्स आपके लिए सारी डायरेक्शंस क्लियर करता जा रहा है, आपको आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए यूनिवर्स मोमेंट टू मोमेंट आपके लिए क्लेरिफिकेशन लाता जाएगा, यूनिवर्स बहुत फास्ट वर्क कर रहा है आपके लिए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखें। यूनिवर्स आपको चेक करने के लिए आपके पार्टनर को फिर ऐसी एक क्लियर एनर्जी में भेज सकता है, अगर आपका आपकी टेस्टिंग होगी, इस बात को याद रखें। लेकिन आपको अपनी जिस पावर में है, आपने जो डायरेक्शन आपने भी अपने लिए सेलेक्ट कर ली है, आपको उस डायरेक्शन से बिल्कुल भी हिलना नहीं है। आपके लिए अब जो यूनिवर्स दरवाजे खोल रहा है एक्सट्रीम लव के, आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, आप एक एक्सट्रीम लव एक्सट्रीम केयर अपने पार्टनर की तरफ से रिसीव कर सकेंगे, ठीक है। द मोर एनर्जी एंड द इंटेंशन द आई ब्रिंग टू माई फेथ, फेथ रखें बिल्कुल आप, द मोर फेयरलेस एंड फ्री आई एम, हर फेयर से फ्री हो जाएं, आपको जो भी डर है आप उनसे बाहर निकलें। यूनिवर्स कह रहा है अगर आपके पार्टनर कहते हैं मैं चला जाऊंगा तो बोले गो अहेड, मेरी मेरा नसीब है, मेरी तकदीर है, अगर मेरे नसीब में होगा तो ये चीज़ मेरे हाथ में होगी, अगर नहीं होगा तो भाई किसी और के होगे, बात ख़त्म। होप इज़ द कंडक्ट फॉर अ मिरेकल्स, आपकी होप जो है आपका फेथ जो है वो मिरेकल क्रिएट करेगा इस पूरी सिचुएशन में। आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, फेयर को बिल्कुल ख़त्म कर दें, अपनी सोचों से बाहर निकाल दें, जितना आपने फेयरफुल होना था वो आप हो चुके, अब आपको फेयरलेस होना है, बिल्कुल फेयर निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। अगर आपके पार्टनर आपको पास की तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बोलो ठीक है
अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, अगर मिलना होगा तो मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलना होगा तो तकदीर की मर्ज़ी है। ठीक है, ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।